युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। बांदीकुई के गादरवाड़ा ब्राह्मणान में जिला स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंची शराबबंदी आंदोलन की अध्यक्ष पूजा भारती छाबड़ा। प्राप्त जानकारी अनुसार बांदीकुई के गादरवाड़ा ब्राह्मणान गांव में जिला स्तरीय जूनियर बेसबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारती छाबड़ा और जिला पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णिया ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उमराव गुडलिया ने की। इस कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का आयोजकों व स्थानीय निवासियों ने राजस्थानी परंपरा में स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए पूजा भारती छाबड़ा ने कहा कि शराब की लत ने घरों को बर्बाद करके रख दिया है। वहीं युवाओं में नशे के आदि होने से घरों में गृह कलेश होने के साथ ही आर्थिक समस्या भी पैदा हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि नशे में खर्चे गए पैसों को बचाया जाए तो हमारे समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दौसा पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जो परिवारों को बर्बाद कर देती है, इसे जन जागरण चलाकर दूर किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने नशे के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को बताया। आइए जानते हैं इस मौके पर शराबबंदी आंदोलन अध्यक्ष पूजा भारती छाबड़ा और जिला पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णिया ने क्या कहा। मैडम, शराबबंदी को लेकर के आगे आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, हमारी रणनीति एक ही है कि हम गांव-गांव डाणी-डाणी इस अभियान को पहुंचा सके, और इसी अभियान के तहत आज दौसा जिले में लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि दारू से नहीं दूध से हर दिन की शुरुआत होनी चाहिए। लोग नशा छोड़ सके, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको नशा मुक्त हम राजस्थान दे सके, क्योंकि इस नशा से सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को है, नारी शक्ति को परेशानी है। और आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, एक बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ, जिसके लिए मैं अपने जिला अध्यक्ष विनीश वर्मा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देनी चाहूंगी, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने आलिशान ये कार्यक्रम किया। इसमें एसपी साहब जी आए और उन्होंने भी मैसेज दिया कि नशा बर्बादी का कारण है, और यहाँ की युवा पीढ़ी को भी यही कहना चाहूंगी कि नशा नाश का कारण है। आपको इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने के लिए नारी शक्ति को भी आगे आना होगा, युवा शक्ति को भी आना होगा, और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगी कि राजस्थान की मान सम्मान के लिए, राजस्थान की महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो शराब बंदी की जाए। जन जागृत रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, सभाएं, छोटी छोटी सभाएं की जाएंगी, रैलियां निकाली जाएंगी, और दूध के द्वारा शुरुआत की जाएगी कि दूध पिए, क्योंकि दूध बलशाली होता है, ताकतवर होता है, पौष्टिक होता है, और जो दारू, जो शराब, जो नशा होता है वो विनाशक होता है। तो ये शुरुआत गांव-गांव डाणी-डाणी से शुरुआत की जाएगी। आपके माध्यम से मीडिया से अपील करना चाहूंगी कि इस मुहिम में आप सबका साथ और सहयोग चाहिए। नागरिक एवं इस बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाएं और बच्चियां, मैं आप लोगों के साधुवाद को नमन करता हूं, और आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि जिले की सुरक्षा के मालिक, तो हम आपकी इस भावनाओं पर, मैं और मेरा स्टाफ, खड़ा करने का प्रयास करेंगे, और यह सब आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। अब आज अपन लौटते हैं मेन जो यहाँ का ध्येय था, तो मैं इसके लिए पूजा भारती जी छाबड़ा और उनकी टीम को मतलब किस तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करूं कि उन्होंने यहां पर यह चेतना लाने के लिए, एक इतने बड़े जन समुदाय के अंदर अपनी अपील को रखने के लिए इस मंच को चुना है, और मुझे भी यहां आने के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं। और यह जज्बा देखकर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस अभियान को आप लोग और भी आगे ले जाएंगे, और आज मौसम ने भी पूरा साथ दे रखा है, वरना लगता है कि कभी भी चेंज हो सकता है, तो मैं मेरी वाणी को समय के साथ ही विराम देता हूँ। वहीं कार्यक्रम में इस मौके पर शराबबंदी आंदोलन जिला अध्यक्ष विनय वर्मा, विनोद सैनी, आयोजन समिति अध्यक्ष मनोहर सिंह नरुका, कोलवा थाना प्रभारी बनवारी लाल, बजरंग सिंह, शिव दयाल सिंह, नरेश सैनी,
सलमान मंसूरी, पायल सैनी, गुलाब देवी बैरवा सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामवासी उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।